मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना संकट के चलते चुनाव अभी संभव नहीं है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। 20 तारीख के बाद जहां कोरोना संक्रमण नहीं है वहां आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिसमें इन जनप्रतिनिधियों की विशेष भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में नए चुनाव नहीं हो सकते, इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इस कोरोना के समय सभी की ये जवाबदारी बनती है कि वे अपने दायित्व निभाएं। शिवराज ने कहा कि आगामी 20 तारीख के बाद कुछ जगहों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। जहां कोरोना का संकट नहीं है वहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कार्य मिल सकेंगे, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जन जागरूकता का कार्य जिला और जनपद सदस्यों द्वारा किया जाएगा, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि जिला और जनपद अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना संकट के कारण अभी कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी चुनाव की स्थिति नहीं है। आज मुझे ये महसूस होता है कि ये जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य हैं, ये प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है और इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना के संकट में ये जनता के बीच बेहतर ढंग से काम कर सकें, प्रशासन के साथ समन्वय बना के काम करें, चाहे लॉकडाउन का मामला हो, स्क्रीनिंग का मामला हो, आयुष की दवाइयां पहुंचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, ये जनप्रतिनिधि जनता को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और इसके साथ साथ अब 20 तारीख से कुछ पाबंदियां हटने वाली हैं, तो मजदूरों को काम देने वाले काम जैसे मनरेगा, जो हॉट स्पॉट नहीं है, कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहां ये काम शुरू करेंगे ताकि मजदूरों को काम मिले। छोटे मोटे निर्माण की गतिविधियां शुरू की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था भी गतिमान हो। और इन सब कामों में हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि उनके कार्यकाल को अगला जब तक चुनाव ना हो तब तक बढ़ाया जाएगा ताकि वो इस संकट के समय जनता के बीच में रह के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बनाए, पेयजल की व्यवस्था भी करें, मनरेगा के काम भी शुरू करवाए और बेहतर समन्वय करके इस संकट से प्रदेश को निकालने में सहयोग करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।